Hello everyone, this is a birthday decoration video. In this video we are going to make this doll with the help of 2-3 stuff. We required one white paper and one cloth plus one black sketch pen. So you can see we decorate this room for the occasion of birthday. So let's get started. Now we will draw the sketch of doll. आप अपनी मर्जी से जैसे भी डॉल बना सकते हैं. ये मैं आपको एक बना के दिखा रही हूँ सैंपल के लिए. After making the sketch, अब हम इसकी outline करेंगे with black color. और इसके पूरे जो आपने इसका outer बनाया है face, उसमें पूरा black water color से या sketch pen से आप जैसे मर्जी कोई भी कर सकते. अब ये ऐसा कुछ लगेगा. नेक्स्ट स्टेप है, हमें इसकी कटिंग करनी है आउटर पार्ट की और नीचे इसकी फ्रॉक के लिए फ्लेयर बनाना है. तो हम पहले फ्लेयर का एक स्केच ले लेते हैं, उसके बाद उसको कटिंग कर देंगे. आप सब बच्चों को फैन बनाना आता होगा, तो ये पेपर लेके इसको फैन की तरह फोल्ड करेंगे, वन इन वन आउट करके ऐसे, और इसकी फ्लेयर बना देंगे. या एक और तरीका है फ्लेयर बनाने का, वो मैं आपको साथ साथ में. एक ऑप्शन ये है कि इस आप पूरे डॉल के ऊपर ग्लू लगा लीजिए, या इसकी जहाँ से आप फ्रॉक की फ्रिल बनाना चाहते हैं वहाँ से ग्लू लगा के इसको फैन की तरह फोल्ड कर दीजिए, जैसे अभी मैं आपको आगे बता रही हूँ कैसे करना है. क्लोथ को एक साइड से पकड़ के उसको पहले अंदर की तरफ ग्लू लगा दीजिए, फिर बाहर की तरफ लगा दीजिए, तो इससे भी फ्रिल्स बन जाएंगे.
आई थिंक ये ऑप्शन एकदम सही और इजी ऑप्शन है फ्रिल्स बनाने का। आप इसको अच्छी तरह ड्राई कर लीजिए और जहाँ ये ग्लू आपने फ्रिल बनाई है उसके ऊपर कुछ वेट रख दीजिए ताकि वो अच्छे से पेस्ट हो सके। अब डॉल की फ्लेयर जो है फ्रॉक की वो अच्छे से पेस्ट हो चुकी है, इसलिए मैंने उसके ऊपर बीड्स लगा दिए हैं। आप किसी भी तरीके से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब हमारी डॉल बनके रेडी हो चुकी है। आप देखिए मैंने इसको किस तरह डेकोरेशन में यूज़ करा है। आप इसको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई और मेरी डॉल भी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट करके नीचे मुझे बताना आपको कैसी लगी डेकोरेशन। प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।